आगे बढ़ते हैं और खबर शामिल करते हैं फैसलाबाद से, जहां आल पाकिस्तान टेलीकॉम रिटेलर्स यूनियन कन्वेंशन हुआ, जिसमें आयरो सेलर कंपनीज की तरफ से नए टैक्सेस और कमीशन में मुसलसल कमी पर रिटेलर्स का इजहार तशवीश, जिस पर आल पाकिस्तान टेलीकॉम रिटेलर्स यूनियन ने लाए अमल तरतीब दिया, जिसमें सेलर कंपनी से बात और इनसे मुंसलिक बाकी इदारों से बराह रास्त बात करना और कानूनी दरवाज़ा खटखटाना, तादम आखिर पाकिस्तान टेलीकॉम रिटेलर्स यूनियन का एहतजाजी हड़ताल करना और हर ऑप्शन पर गौर किया गया। आइए हम आपको बराह रास्त लिए चलते हैं फैसलाबाद और वहाँ यूनियन लीडरान से बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं आल पाकिस्तान रिटेलर यूनियन के सदर मोहम्मद आसफ रफ़ी। जी आसफ रफ़ी, बताइएगा कि आपके मकासद क्या हैं और अगला लाहे अमल क्या है। पाकिस्तान का जब से प्लेटफॉर्म बना है, हमारी यही कोशिश है कि तमाम पाकिस्तान की यूनियन को हम एक प्लेटफॉर्म पर ले आएँ। ये फैसलाबाद के इवेंट में इसी सिलसिले की करी थी और इंशाल्लाह हम इस इवेंट के जरिए कंपनी को ये मैसेज देना चाहते हैं कि हम सब एक हैं और इंशाल्लाह जो रिटेलर के हमसे मिसाइल होंगे, हम सब मुतहद होकर इकट्ठे होकर इसको हल करेंगे। अब हमारे साथ मौजूद हैं फैसलाबाद रिटेलर यूनियन के सदर मोहम्मद सलीम मलक। जी सलीम मलक, बताइएगा कि आपने फैसलाबाद को बहुत मुनज़्ज़म किया, आगे चलकर फैसलाबाद यूनियन के क्या मकासद हैं और आप कैसे ये सारे मामला तय कर पाएंगे? जी अस्सलाम वालेकुम जी, सबसे पहले तो मैं अफजल भट्टू साहब आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आपके चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ कि मुझे आपने अपने चैनल पर अपनी बात का इजहार करने का मौका दिया है। सब एक हैं और इस फैसलाबाद यूनियन का आगाज़ जो है जनवरी 2015 से हुआ था, तो इंशाल्लाह आज ये पूरे पाकिस्तान में फैल गई है यूनियन और अल्हम्दुलिल्लाह मज़ीद जिन शहरों में अभी वर्किंग कम है, उन शहरों में जो दोस्त हमने इनवाइट किए हैं वो इंशाल्लाह अपने अपने शहरों में जाके वर्किंग करेंगे और यूनियन को पाया तकमील तक पहुँचाएँगे। और वो वक्त दूर नहीं है कि इंशाल्लाह जब हम कंपनियों के साथ आँखों में आँखें डालकर टेबल पर बैठकर टेबल टॉक के जरिए अपने मुतालबात मनवाएंगे इंशाल्लाह। अब बात करते हैं वहाँ पर मौजूद चौधरी रियाज साहब से, जो सीनियर रहनुमा हैं रिटेलर यूनियन के। जी रियाज साहब, आप किस बारे में क्या ख्याल हैं? जी कोई भी काम हो, जब तक अपने मकसद के लिए खुद बंदा आगे नहीं बढ़ता, दूसरा उसके लिए कभी काम नहीं करेगा। अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ती है, अपनी स्लिप खुद अपने कंधों पर उठानी पड़ती है, अपने जितने भी मसले हैं अपने खुद हल करने हैं, दूसरा हमारी मदद को कोई आगे नहीं आएगा। हम सब एक होके मुतहद होके अपने हक के लिए आवाज़ बुलंद करेंगे, कंपनियों को अपना आप बताएंगे कि हाँ हम हैं हम